मैं देना चाहता हूँ कि ताकि मेरे बच्चे वाघा बॉर्डर के जरिए आ जाए, वरना मैं इंडिया तक आऊंगा। सीमा मसलन क्रिमिनल है तो उसको सजा दी जाए। मीडिया वालों से लड़ रहे पी सिंह, सीमा सज्जन नहीं बोलो, सीमा मीना बोलो। अरे तुम्हारे कहने से सीमा मीना बन जाएगा। एक के कहने से दुनिया बाकी गूंगा और बहरा है। मैं चुप करूंगा अपने बच्चों के लिए। सरकार है, मोदी सरकार है, योगी सरकार है, लोग अदालतों से मुझे पूरा उम्मीद है। भारत के लोगों, भारत के लोगों पे, भाई बहनों से मुझे पूरा उम्मीद है। तो मुझे इंसाफ दिया जाए योगी सरकार को। फिर भी हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ कि प्लीज मेरे बच्चों को वापस किया जाए। मैं एक बाप हूँ, मैं सदमे से गुजर रहा हूँ सर, प्लीज प्लीज। अच्छा, अगर यदि दो ऑप्शन मिले आपको, एक तरफ कहा जाए कि या तो आप सीमा को ले लो या फिर अपने बच्चे ले लो, तो दोनों में से क्या लेना चाहेंगे आप? सर मैं अपने बच्चों को लूंगा, सीमा को भली सरकार सजा दे, मुझे कोई इतराज इसमें नहीं है। गलत तरीके से है, हम गलत का साथ नहीं देते बिल्कुल भी। मैं बच्चों को, योगी सरकार को यही मैं कह रहा हूँ कि प्लीज मेरे बच्चे मेरे हवाले करे। मैं एक बाप हूँ, मैं सदमे से गुजर रहा हूँ। अच्छा, कहाँ है अभी इस समय, आप कहाँ पे हैं? मैं सर सऊदी अरब में हूँ। सऊदी अरब में है? जी जी। अच्छा, तो जब सीमा गुलाम हैदर जब पाकिस्तान से यहाँ आई, उसके बाद आप पाकिस्तान नहीं आए हैं तब से? जी जी हाँ, पाकिस्तान में नहीं आया तब से। तो थोड़ा जो हमारे मसले मसाइल हैं जो कबीलों के साथ वो हल हो जाए, मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि मसल में जल्द से जल्द आ जाऊंगा पाकिस्तान। और बच्चों के लिए तो मैं हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठा रहा हूँ। और पाकिस्तान शहबाज शरीफ को भी मैंने वजीर खारजा बिलावल भुट्टो साहब को अपील किया, मोदी सरकार को, योगी सरकार को, आपके चैनल के तस्वीर से मैं सब लोगों को कहना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे बच्चों को वापस किया जाए और बच्चे वापस आ सके। अच्छा, आप अपना बच्चा चाहते हैं वापस? जी 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 बिल्कुल, मैं बच्चा अपना वापस चाहता हूँ मोदी सरकार से और योगी सरकार से। आस्था माँ के थ्रू मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज सीमा मसलन क्रिमिनल है तो उसको सजा दी जाए और मेरे बच्चों को प्लीज वापस किया जाए। बच्चों मासूम है, छोटे हैं, वो नाबालिग हैं, मैं बच्चों के लिए बहुत परेशान हूँ। आप अगर यदि यहाँ से सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जाता है, और मीडिया में ये भी खबर चल रही है कि सीमा हैदर जो है वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, तो क्या आप सीमा हैदर और अपने बच्चों को अपनाएंगे? सर ये तो मुझे नहीं पता, वो प्रेग्नेंट है नहीं है, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मुझे पता नहीं है। ये उनको पता है कि वो कह रहे हैं, सच में ला रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। सीमा को तो झूठा बस झूठ पे झूठ बोला जा रहा है ताकि उनको भारत में रखा जाए। सीमा के जो ना ये बेबुनियाद ख्याल है, ये किसी भी तरीके से ये कह रहे हैं कि मैं इधर आया हूँ किसी तरीके से मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊँ, ये बिल्कुल झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। ना उसकी शादी नहीं हुई तो वो प्रेजेंट कैसे होगा? तस्वीर खिंचाने से किसी की शादी होती है कि आपके धर्म में? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, दो तस्वीर खिंचा के एक जिनसी ज्यादती कर रहे सज्जन। मैं भारत के सरकार से यही अपील कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि वकीलों से, जज साहबान से, तो तमाम जो अच्छी सोच रखने वालों को कि एक सीमा को एक जिनसी पे कर रहे हैं, ये गलत बात है। ना उसकी शादी हुई ना कुछ हुई, बस उनके एक नामहरम लड़के के साथ रख के ये बिल्कुल जो है ना नाइंसाफी है मेरे साथ साथ। नहीं, अगर ऐसा कहा जा रहा है, मीडिया में चल रहा है कि यहाँ सीमा गर्भवती है इसलिए क्योंकि उसे भारत की नागरिकता लेने में आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर यदि किसी कारणवश यहाँ के सरकार और यहाँ की कानून उसे पाकिस्तान भेजती है, तो क्या आप सीमा को उसके बच्चे के साथ, सचिन का बच्चा को आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, ये तो बात देखो ना, एक ये वकील है एपी सिंह नाम का, ये एक चाल चल रहा है, ये सोच रहे हैं कि मैं अपने चाल में कामयाब हो जाऊंगा, ये छोटे बच्चों का सहारा लेके और सीमा के साथ ये कह के मैं पॉपुलर बन जाऊं। कोई ये पॉपुलर नहीं बनेगा एपी सिंह को। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके घर से आपके बहू या बेटी ऐसा कोई मसला करे, फिर आपके लिए दिल से क्या गुजरेगा, आप क्या एक्शन उठाएंगे? तुम वकील बन के उनकी केस लड़ोगे? मेरे साथ नाइंसाफी हुआ को मैं कह रहा हूँ कि आप इस बात में पॉपुलर नहीं बनोगे, ये गलत बात है। आप इसी का पीछा छोड़ो और अदालत पे ये केस छोड़ दो, योगी सरकार इस केस को देखेगी। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मेरे बच्चे मैं हक पे हूँ। हाँ, सीमा गलत तरीके से आई है तो उसको सजा होनी चाहिए। सिर्फ सीमा नहीं है, सीमा के साथ सज्जन भी मुलविज है, उनको आधार कार्ड बनवाना, उसको अपने पास बुलाना, मेरा घर 20 लाख का भिजवाना है ना, इनका घर इधर आजाद करवाना, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि मेरे साथ जो
के मासूम बंदों से क्या कसूर है। चलो सीमा आई तो उनको दोनों को सजा होनी चाहिए, भारत सरकार को पूरा हक है अपना वो जान पे कोशिश करे कि सच कौन है गलत कौन है। अच्छा गुलाम हैदर जी, गुलाम हैदर जी आपने वहां से पैसे जो है जितने भी भेजे हैं आपको जानकारी है कि आपने कितने पैसे भेजे, हिसाब है कि कितना पैसे लेके जो है सो सीमा हैदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई हुई है भागी हुई है? अरे बिल्कुल, मुझे 3.5 साल हो रहे हैं मैं इधर सऊदी में हूँ, पैसा मैं भेज रहा हूँ, घर लेके मैंने सीमा के नाम पे दिया था, सीमा ने वो घर भी बेच के आया और जेवरात थे 4 तोला सोना ज्वेलरी वगैरह थे वो लेकर आया, आने से पहले 3 लाख रुपया भी मैंने भेजा था वो लेकर आया, तकरीबन माली रकम सीमा 30 लाख रुपया लेकर बच्चों के साथ भारत में आया। तभी तो ये कह रहे कि हमारे बहू है ये जो सजन कापू कह रहे हैं तो जो इज्जत दे रहे हैं सिर्फ इनका पैसा आदम होने दो पर ये खुद भी सीमा से बेकार हो जाएंगे, आज बोल रहे हैं मेरी बहू दूध का धुला हुआ है। तुम्हारा बहू नहीं है वो, उससे धर्म छोड़ने तक तैयार है, अपने माँ बाप का नहीं हुआ, हैदर का नहीं हुआ तो आपका क्या होगा। अब ये तो सोचो अवल इंसान में इंसानियत होना चाहिए, बाकी धर्म बाद में है, उनमें तो सीमा में तो इंसानियत ठीक है वो ठीक है, लेकिन कितना पैसा लेके वो यहाँ पे आई हुई है आपका? अरे बिल्कुल तकरीबन 30 लाख रुपया पक्की बात है, 30 लाख रुपया पैसा ये लेकर आई, जो जो इसने खर्चा किया वो उसको पता है कितना लग गया 30 लाख रुपए। मैंने ये भी सुना है कि वो आपका घर बेच दिए वहाँ पे। आपका घर मेरा घर बेच के आया ना, मैं सीमा मेरा पति था, मेरा घर बेच के आया, पैसे लेके आया। जी जी अच्छा अच्छा, क्या यहाँ पे जो वो कह रही है मीडिया में कि मुझे तो गुलाम हैदर से प्यार ही नहीं मिला, जिस प्यार मुझे जो प्यार चाहिए था वो प्यार ही नहीं मिला मुझे गुलाम हैदर से, इसलिए मैं उसे छोड़ के आ गई हिंदुस्तान? सीमा से पूछो आपको कौन सा प्यार चाहिए, 4 बच्चे फिर कैसे हुए, 4 बच्चे हुए लव मैरिज तुमने सीमा से पूछो हैदर से कैसे तुमने किया, 4 बच्चे कहाँ से पैदा हुए, उसको कौन सा प्यार चाहिए सीमा को जो अभी भी उनको अच्छा प्यार नहीं मिला, किस प्यार की तलाश में है वो? तो कह रही है कि सचिन से जो प्यार मुझे मिल रहा है, सचिन से जो प्यार मुझे मिल रहा है वो गुलाम हैदर से नहीं मिला मुझे। ये ऐसी बातें टोपी ड्रामा कर रहे हैं, सचिन से क्या प्यार इसको मिला? सचिन से घर बिछवाया, घर छोड़वाया, पाकिस्तान से इंडिया में आया, किस तरीके से उन्होंने हेल्प किया, अभी भी मतलब सरकार उनको एक्शन सचिन वालों पे नहीं उठा रहा है। एक औरत को गैंग के जरिए फंसा के ऐसे उनको आधार कार्ड बनवाना, बस पे ले आना, पूरा जो सर्च करना, ये सिर्फ बोलते हैं यूट्यूब पे मैंने देखा, यूट्यूब पे नहीं देखा, इसमें सजन पूरा मुलविज है, सजन का बाप जो पैसा हमारा खाया ना ये इसलिए बातें कर रहा है, सारा पैसा का कमाल है मेरा भाई। आपका पैसा सारा यहाँ पे वो लेके ही वो सचिन के पिताजी ले लिए जी जी, इसलिए दिमाग गुनगुनाते हैं कि सीमा बहुत अच्छी है, फिलहाल है, टीर है, ये दूध का धुला हुआ है, इसके लिए बार बार जो ये आवाज उठा रहे हैं तो ये पैसे लेकर आए हैं, मेरा घर उसने तबाह कर दिया है। अच्छा अच्छा, और ये सचिन जो कह रहे हैं, मैं ये वकील एपी सिंह कह रहे हैं कि हैदर ने इसको 4 साल से छोड़ा हुआ था, हैदर ने वकील साहब से मेरा ये गुजारिश है कि 4 साल से मैंने उसको छोड़ा तो 3 साल का बेटी उसके पास कहाँ से आई मेरी? हाँ सीमा के 4 बच्चे है, 3 साल 4 सालों से ये एपी सिंह कह रहे हैं कि हैदर ने इसको तलाक दिया था, कोई तलाक सीमा को नहीं दिया, ये ऐसे ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, अभी सीमा का पट्टा पास हो गया वो मीडिया में भी आना नहीं चाह रहा है, चुप रहे, लोगों से चुप रहे, अपने इतने सवाल जवाबों में खुद फंस गया वो। अच्छा आपको कभी इस प्रकार की जानकारी थी, कभी मतलब आशंका हुआ कि सीमा जो है सो इंडिया भागने वाली है पाकिस्तान से, कभी लगा हो कि फोन पे कभी बीजी आ रहा हो या फिर किसी तरीके का झगड़ा जब हुआ हो तो आपको कभी लगा कि वो आपको छोड़ने वाली है? नहीं सर, हमारा झगड़ा हुआ ही नहीं बिल्कुल भी, 10 मई तक भी आस्था माँ को मैंने पूरा प्रूफ दिया, ये कह रहा था कि हैदर ने अपना वो जो है ना बेटी बेचा, मैंने आस्था माँ को बोला आप फोन कर सकते हो मेरे नंबर पे, घर पे आप बात कर सकते हो कि मैंने बेटी बेचा या बेटी घर पे ही है अभी भी, है ना, ये कह रहा है कि लड़ाई झगड़ा तो 3.5 सालों से मैं सऊदी अरब में हूँ, कैसे इसकी सीमा से साथ में लड़ाई झगड़ा करता था। और ये एपी सिंह कह रहे हैं कि इसको जो है ना
तीन साल होंगे चार साल होंगे छोड़ा हुआ है एपी सिंह से, मेरा सवाल है तो अगर शोहर औरत को तलाक देता है तो किसके घर रहता है? अपने माँ बाप के घर पे रहता है ना, वो तो मेरे घर पे रह रहा था। हाँ मैं मेरा खर्चा उठा, पैसे मैं दे रहा था, वो बच्चों को पाल रहा था, पढ़ा रहा था, या एपी सिंह पैसे भेज रहा था इंडिया में सीमा के लिए। चार सालों से बच्चों को मेरे खर्चे से मेरे ही घर पे थे, या एपी सिंह पैसे उनको दे रहा था जो पूरा प्रूफ से कह रहे सीमा सच बोल रहे सीमा सच बोल आप तो जो वकील हैं सीमा के और सचिन के जो वकील हैं वो तो कह रहे हैं कि सीमा गुलाम हैदर नाम नहीं है उसका, सीमा सचिन मीना नाम है, सीमा सचिन मीना कह रहे हैं वो डायरेक्ट। सर सीमा सचिन मीना एपी सिंह के कहने पे नहीं होगा, है ना? ये दुनिया को पता है कौन सच है कौन गलत है, ये तो लोगों से इंडिया में जो पूछ रहे हैं कि सीमा हैदर कर रहे हैं उनसे भी लड़ रहे हैं, मीडिया वालों से लड़ रहे हैं एपी सिंह। सीमा सचिन नहीं बोलो सीमा मीना बोलो, अरे तुम्हारे कहने से सीमा मीना बन जाएगा। एक के कहने से दुनिया बाकी गूंगा और बहरा है। मैं चुप करूंगा अपने बच्चों के लिए, सरकार है मोदी सरकार है योगी सरकार है, लोग अदालतों से मुझे पूरा उम्मीद है, भारत के लोगों भारत के लोगों पे भाई बहनों से मुझे पूरा उम्मीद है, तो मुझे इंसाफ दिया जाए और इस बात को सही तरीके से देखे। एपी सिंह मुझे तो मेंटल लग रहा है, ये तो कोई वकील अगर होता ना ऐसी बात ये नहीं करता, ये पूरे तरीके से मेंटल लग रहा है मुझे। अच्छा वो यहाँ पे जो सीमा है वो कह रही है कि मुझे गुलाम हैदर मारते बहुत थे, क्या इस बात की में सच्चाई है कि आपने उसे मारा इसलिए वो आपको छोड़ दी? नहीं सर कभी मेरी लड़ाई हुई नहीं, साढ़े तीन सालों से मैं इधर सीमा से पूछो कोई फोन पे भी लड़ाई झगड़ा और मारपीट इधर करता था क्या? कोई ऐसा सिस्टम है तो शायद फिर मैं सीमा को मारता था। क्या आप सीमा को सीमा हैदर को लेने के लिए हिंदुस्तान आएंगे? अगर भारत सरकार सौंपना चाहेगी तो क्या आप उसे लेने के लिए आएंगे? सरकारों को मैं देना चाहता हूँ कि ताकि मेरे बच्चे वाघा बॉर्डर के जरिए आ जाए, वरना मैं इंडिया तक आऊंगा। हर प्लेटफॉर्म पर आस्था माँ को, सब लोग अच्छे लोग हैं, अच्छी सोच रखने वाले हैं, आस्था माँ है, मैं आऊंगा हर प्लेटफॉर्म पे आऊंगा, जो है ना मैं केस करूंगा, अपने बच्चों को वापस लेके जाऊंगा इंशाल्लाह, हर मुमकिन कोशिश करूंगा बच्चों के लिए। सर बिल्कुल मेरे बच्चे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने 3 महीनों से बच्चों से बात नहीं की, बाप हूँ मैं बहुत अब इस टाइम सदमे से गुजर रहा हूँ, प्लीज मेरा समझे, मेरे बच्चों का आप लोग सोचे, एक बाप के बच्चे नहीं है बाप के साथ तो क्या गुजरेगा मेरे दिल में सर। अच्छा जब आप वहां से यहाँ की खबर सुनते होंगे सीमा हैदर के बारे में आप देखते होंगे, तो आपको यहाँ की जो मीडिया दिखा रही है जो एपी सिंह बोल रही है, तो क्या लगता है आपको कि कुछ सीमा हैदर आपके साथ साजिश कर रही है यहाँ, या फिर यहाँ जो वकील है सीमा हैदर के उन्हें सिखा पढ़ा के मीडिया में बुलवाया जा रहा है, आपको क्या लगता है उसके बाद सुन के? सर बिल्कुल इसको रात को खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, एपी सिंह कह रहे हैं कि मैं हूँ जो भी मैं करूंगा मैं ऐसा करूंगा, मैं पॉपुलर बनने के लिए चार बच्चों को बलि का बकरा बना रहा है, ऐसा कोई दुनिया में कोई अदालत है कि एपी सिंह के कहने पे ये कह रहे हैं कि हैदर झूठ बोल रहे हैं जो ना सीमा सच बोल रहे हैं? मैं जिंदा जीता जागता भाइयों के साथ मुखातिब हूँ, मैं रो रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ चीख रहा हूँ कि मेरे बच्चे हैं ये, मैंने कोई सीमा को तलाक नहीं दिया था, ये बच्चों को लेकर इनको ऐसे ड्रामे में फंसाया जा रहा है, तो ऐसा ना करें प्लीज। अच्छा आप योगी बाबा को जानते हैं जहाँ पे सीमा रुकी है उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं यहाँ के योगी आदित्यनाथ? जी मुख्यमंत्री को मैं तो लाइन पे देखा है, बातों में देखा है, जो मीडिया के थ्रू मैंने देखा, मेरी मुलाकात नहीं हुई, बहुत वो अच्छे इंसान है, मुझे उस पे पूरा यकीन है कि मुझे इंसाफ मिलेगा जरूर। तो चार बच्चे और सीमा को चलो कोई भी क्रम रास्ते से आया उनको सजा दे या उनको जेल कस्टडी पे रखा जाए, इस टाइम मैं एक बाप हूँ, मैं योगी सरकार को एक प्राइम मिनिस्टर है उसको कहना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मैं बच्चों के लिए बहुत परेशान हूँ, एक बाप को बच्चों के कैसे गुजरेगा, मैं बहुत सदमे से गुजर रहा हूँ, मेरी हेल्प किया अच्छा, जाए हैदर और मेरे जी, बच्चों को वापस किया जाए। ठीक है हैदर जी, जो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ है उनका दूसरा नाम बुलडोजर बाबा भी है, जो कोई गलती करता है या फिर गलत पाया जाता है उसके घरों के ऊपर बुलडोजर चला के उसका घर ध्वस्त कर दिया जाता है, तो क्या आप चाह रहे हैं कि अगर यदि सचिन की गुनाह या गलती हुई तो उसमें उसके घर पे बुलडोजर चलानी चाहिए योगी बाबा को? बिल्कुल सर योगी बाबा को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि प्लीज आप इस केस को अच्छी तरीके से देखें, एक सीमा नहीं है, सीमा के साथ चार बच्चों के मासूम बच्चों के भी सवाल है, इसको हिंदू मुस्लिम में ना देखा जाए, एक इंसानियत के नाते देखा जाए कि कौन सही है कौन गलत है, कैसे आया क्यों आया किस वजह से आया। मैं प्लीज गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी जो है ना
बच्चों को, फरहान को, फरवा को, फरी को और फरा को, चार बच्चों को प्लीज मेरे वापस करें, और ताकि जो सीमा क्रिमिनल है सजन के साथ, सिर्फ की सीमा नहीं, सीमा सजन, सजन पूरा मुलविज है, सजन को सजा आनी चाहिए, सजन के अपा को सजा आना चाहिए, ताकि ऐसा कोई गलत काम और दूसरे नहीं करे, है ना, किसी के लिए सदमा। सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ कि प्लीज आप ऐसा एक्शन उठाएं ताकि लोगों को पता चले कि ताकि कोई गलत कदम ऐसा ना उठाए, किसी के घरों में बच्चे बर्बाद ना हो जाए। अच्छा गुलाम हैदर जी, सीमा भी अपना धर्म जो है सो परिवर्तन कर चुकी है, और आपके बच्चे भी धर्म आपके जो बच्चे हैं चार, उनके भी धर्म परिवर्तन हो चुका है, यहाँ पे वो हिंदू बन चुके हैं, तो क्या आप हिंदू बनने के बाद आप उसे एक्सेप्ट करेंगे बच्चों को? बच्चे हिंदू नहीं बन चुके हैं, मासूम है, नापालिक, जो भी कहेंगे वो कहेंगे, आप लोग खुद को जो बाप होंगे, भाई होंगे, मासूमों का क्या कसूर है, छोटे हैं, नापालिक है, उनको जो भी बोलोगे वो वही कदम उठाएंगे ना। बच्चे उनको पढ़ाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है, पहले मेरे बच्चे पाकिस्तान में सही सलामत थे, इनको पता नहीं इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, जब बात कर रहे हैं उनकी आंखें बंद है, आंखें खुली हुई है, बच्चे मेरे सही सलामत नहीं है, इनको पता नहीं, या सजन टारगेट कर रहे हैं, सजन के घर वाले कुछ कर रहे हैं, इनको प्लीज अलग रखा जाए और बच्चों को वापस किया जाए। अच्छा अगर यदि दो ऑप्शन मिले आपको, एक तरफ कहा जाए कि या तो आप सीमा को ले लो या फिर अपने बच्चे ले लो, तो दोनों में से क्या लेना चाहेंगे आप? सरकार सजा दे, मुझे कोई इतराज इसमें नहीं है, गलत तरीके से आए, हम गलत का साथ नहीं देते बिल्कुल भी, मैं बच्चों को योगी सरकार को यही मैं कह रहा हूँ कि प्लीज मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, मैं एक बाप हूँ, मैं सदमे से गुजर रहा हूँ कि सीमा को अदालत सजा में मंजूर है, अगर पाकिस्तान का सजा सरकार उनको सजा दे, वो दोनों मुल्कों का मसला है, इसे बच्चे मासूम है, सिर्फ ये गुजारिश कर रहा हूँ कि प्लीज बच्चों को जल्द से जल्द रिपोर्ट किया जाए। कहाँ पे हैं अभी आप, किस देश में हैं? मैं तो सऊदी अरब में हूँ सर। सऊदी अरब से कब तक आना होगा आपका, पाकिस्तान आएंगे या फिर भारत ही आएंगे अपने बच्चों को लेने के लिए या सीमा को लेने के लिए? मैं ये आप लोगों के थ्रू कहना चाहता हूँ कि जैसे सरकार का कोई भी फैसला आएगा, हमें मंजूर है कि बच्चों को इनपुट कर रहे हैं या मुझे बुलाया जा रहा है, तभी मैं आने के तैयार हूँ, अगर उनको वाघा बॉर्डर के जरिए बच्चों को भेजना चाह रहे हैं तभी भी मैं पाकिस्तान आऊंगा, मुझे आने में कोई टाइम नहीं लगेगा सर, दो तीन घंटे का सफर है, इतना कोई बात नहीं है। अगर सीमा दोषी पाई गई तो क्या सजा की मांग करते हैं आप उसे, क्या भारत की न्यायालय से क्या सजा की मांग करते हैं, किस सजा की मांग करते हैं? सर ये तो अदालत तो बेहतर जानते हैं, मैं इतना लिखा पढ़ा नहीं हूँ, जो उनको अच्छा लगे, मुनासिब लगे, जो कानून के तहत उनको केस को देखा जाए, बिल्कुल हम उस पे पूरा मुतमैन है, हमें विश्वास है कि नहीं, प्यार में अगर धोखा हो तो उसके लिए क्या सजा होना चाहिए आपके हिसाब से? सर ये प्यार तो है ही नहीं, ये ड्रामा है, प्यार आप इसको प्यार का रंग ना, सीमा आपसे प्यार नहीं करती थी क्या, या फिर आप सीमा से प्यार नहीं करते थे? मैं प्यार करता था, और मेरी पत्नी थी, चार बच्चे हैं, ये तो इत्याद गवाह है, अगर आप कह रहे हो कि सजन की प्यार में आया, ये प्यार नहीं है, ये ड्रामा है पूरा, एक साजिश रची हुई है, सरकार को भी थोड़ी देर में पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। सीमा की आप बयान तो देखो, हर पट्टी में उतर रहे, दूसरा बयान दे रहे हैं, दूसरे से तीसरा दे रहे हैं, चौथा दे रहे हैं, अभी तो सामने आना नहीं चाह रहे, जितने उसको ऐसा बंद करके रखा है, प्लीज ना हो, मैं हूँ उसको पॉपुलर बनाने के चक्कर में, जो है ना मेरे बच्चों को वो बलि का बकरा बना रहे हैं। ठीक है गुलाम हैदर जी, मैं चाहता हूं कि फैसला आपके पक्ष में आए, क्योंकि एक पिता का क्या दर्द होता है वो आप जानते हैं अच्छी तरीके से, योगी बाबा से मेरा भी अगर ये वीडियो देखे तो उनसे अनुरोध है। आस्था माँ को भी मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के जरिए, आस्था माँ भी मेरे लिए आवाज उठाए और योगी सरकार तक मेरी आवाज पहुंचाए, कौन सही है कौन सच है, हक की सच की अदालत होना चाहिए, सिर्फ मेरे पक्ष में नहीं आए, अगर मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ भी आना चाहिए, है ना, सही और गलत का फैसला अदालत को करना चाहिए, मैं इसके